नमस्ते, हेलो, आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग और हमारे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। और मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ता। तो कोफ्ता एक अलग प्रकार से मैं बनाने वाली हूँ, वो भी पत्ता गोभी की। तो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और रेडी करते हैं अपना सारा सामान, लेट्स गो। लिया था आधा पत्ता गोभी, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके और इसको पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो पत्ता गोभी अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसको मैं छन्नी में छान ले रही हूँ। पत्ता गोभी जो बॉयल किया था मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। उसके बाद से ये अदरक और मिर्च का पेस्ट है और लहसुन है और ये कसूरी मेथी, नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर में इसमें मैंने डाला है और थोड़ा सब्जी पाउडर डाल के इसको पानी से मैंने, जैसे भजिया का पेस्ट तैयार करते हैं वैसे इसका पेस्ट मैंने तैयार किया है। की कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है और इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसी में मैं इसका छोटा छोटा भजिया तलूंगी, बहुत लोग पकौड़ा भी बोलते हैं, तो अपनी भाषा में मैं भजिया इसमें उसका छोटा छोटा तल लूँगी। कोफ्ते का मैं ग्रेवी तैयार करने जा रही हूँ, वो भी सिलबट्टे पे, बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है इसलिए। तो यहाँ पे एक प्याज है, एक टमाटर है, दो हरी मिर्च है, खड़ी धनिया है, जीरा है और जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा है, जिसका मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने मेथी दाना, जीरा दाना, थोड़ा सा राई और करी पत्ता यूज़ किया है और एक प्याज यहाँ पर चॉप किया हुआ है, इसको मैंने तड़के में डाल दिया है और कसूरी मेथी मैंने डाल दी है और एक रोस्ट किया हुआ तेज पात डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी तैयार किया था उसको मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से ऐसा पकाएंगे कि इसमें से ऑयल छोड़ दे। अब इसमें मैं मसाले में डाल रही हूँ जीरा पाउडर, सब्जी मसाला और गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, ये सूखे मसाले में है। मसाला मेरा अच्छे से पक गया है, देखिए ये तेल इसमें से निकल रहा है, मसाले में से अलग मसाला अलग तेल। तो इसमें पानी ऐड करेंगे, दो कोफ्ता बनाने के लिए पानी ज़्यादा मात्रा में डालना चाहिए क्योंकि कोफ्ता पानी सूखता है, अंदर एक जॉब करता है। तो इसको मैं ढक के रख दूंगी तब तक के लिए जब तक कि ये पक ना जाए इसका पानी। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा और इसमें पकना बाकी है, तो इसको फिर से मैं ढक दूंगी और फाइनली अब ये देखिए कोफ्ते का पानी गाढ़ा हो चुका है और इसमें मैंने कोफ्ता जो मैंने पकौड़ा बना के रखा था भजिया उसको ऐड कर दिया है और ये मेरा बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा पानी जितना था सारा ही सोख लिया है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दोस्त हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा और अपने इस बहन को अपना फुल सपोर्ट दीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ,
नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।